नमस्कार। चार दिन हुए तो उस बात को और एक बहुत बड़ा झटका कह लीजिए कि एक एनएमसी विच इज नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं जो लोग एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं, राइट। और ऐसा कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है कि घबराने वाली बात है, लेकिन हाँ, मतलब बाहर जाने के लिए जो ऑप्शन थी वो और कम लुक्रेटिव हो गई है फॉर द वेरी सिंपल रीज़न ऑफ इंक्रीज इन द टेन्योर। सो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ जो खास बात है। देखिए, सबसे पहले जो जिस लाइन को देख के घबरा रहे हैं, खासकर जो फिलीपींस या कैरिबियन कंट्री में जाते थे, क्योंकि दोनों ही कंट्रियाँ यूएस सिस्टम को फॉलो करती हैं और यूएस में तो एक प्री मेड होता है और फिर 4 साल की एमबीबीएस होती है जिसको वो लोग एमडी बोलते हैं, राइट। सो अब इन्होंने पहली लाइन ये बोली है कि भाई 54 मतलब 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए, जो कि बेसिकली इंडिया का होता है। तो अदर देन ये कैरिबियन ऑप्शंस एंड फिलीपींस ऑप्शन फॉर दैट मैटर यूएस ऑप्शन, बाकी सभी कंट्रियाँ इस रूल को फॉलो और पास करती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शायद जिसने बनाया है वो मेडिकल एजुकेशन को उतनी गहराई में नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने इंडिया के हिसाब से बनाया है, तो मुझे बिल्कुल डाउट है कि इस लाइन का एक यू नो तो ऑल्टरनेट आ जाएगा और इसको ऐसे देखा जाएगा जैसे फिलीपींस भी यही बोलते हैं ना कि अगर आप 4 ईयर डायरेक्टली एमडी के लिए भी आ रहे हो फ्रॉम एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, सो यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन इंडिया। सो टेक्निकली वो 3 साल जमा 4 साल 7 साल गिने जाएंगे। सिमिलरली जो बीएस करने जा रहे हैं वो 1 या 1.5 साल जमा 4 साल 5.5-6 साल गिने जाएंगे और टोटल मिला के जो उनका कोर्स है फिर वो 4.5 साल का पार हो जाएगा, क्योंकि जो बैचलर ऑफ साइंस कोर्स है फिलीपींस में वो तो उतने ड्यूरेशन का है ही। सो मेरे ख्याल से ये जो लाइन है इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। आई एम श्योर इस लाइन का क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा और फिलीपींस या कैरिबियन कंट्री का जहाँ तक ये वाला फैक्टर है, क्योंकि जब वो लोग यूएस को और यूके को और ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे और वहाँ से जब क्लैरिफिकेशंस आएंगी तो शायद इस लाइन को चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मिनिमम इतना कोर्स होना चाहिए। तो दिस लाइन इज़ नॉट वेरी टिपिकल फॉर मी और मेरे को ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो दूसरा घबराने की बात है, लेकिन जो हाँ इम्पॉर्टेंट है, वो है अंडरगोन एन इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स इन द सेम ईयर। अब देखिए, खासकर जो ये 5 साल के कोर्स लॉन्च किए गए थे किर्गिस्तान कजाकिस्तान वगैरह में, इसमें इंटर्नशिप नहीं होती है और ना ही यूक्रेन रशिया वगैरह में होती है, ये सब कोर्स थे। कई कंसल्टेंट कह रहे हैं कि हमने बात कर ली और हम कोर्स को चेंज कर देंगे। देखिए, सच्चाई ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता और आप मुझे जानते ही हैं, मैं सच बोलता हूँ। सो यूक्रेन रशिया जॉर्जिया बेलारूस आर्मेनिया जो 6 साल का कोर्स पढ़ाते थे ऑफिशियली, जबकि आर्मेनिया में एक दो कॉलेज ऐसे भी हैं, सेंट थेरेसा की बिल्कुल ही बात अलग है, तो 6 साल का कोर्स होता था उसमें इंटर्नशिप नहीं होती है। सो अब आपको वहाँ पर कम से कम 6+1 साल 7 साल लगाने पड़ेंगे इंडिया आके आप नेक्स्ट क्लियर करेंगे और फिर 1 साल की इंटर्नशिप, दैट मीन्स 8 साल में आपकी एमबीबीएस ख़त्म होगी जो इंडिया में 5.5 साल में हो जाती है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो ये जो फिलीपींस जा रहा है उसका भी 5.5 साल जमा इंडिया में आके 1 साल 6.5 साल तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि डबल इंटर्नशिप आपको हर जगह करनी है। आप कजाकिस्तान वगैरह जाएंगे तो 5+1 6 साल जमा इंडिया में आके 7 साल, तो नेपाल भी जाएंगे फॉर दैट मैटर तो 4.5 साल जमा 1 साल, जो सबसे हम एक स्वीट स्पॉट मानते हैं कि जो बिल्कुल इंडिया को फॉलो करता है, तो आपका देखिए 1 साल तो एक्स्ट्रा लगेगा बिकॉज ऑफ डबल इंटर्नशिप। उसका कारण ये है जो कि अगले फैक्टर में भी आता है। ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाई करनी है, तो जो पहले हम बायलिंगुअल के लिए जाते भी थे चाइना वगैरह में, वो हम चाहकर भी नहीं जा सकते या किसी भी और कंट्री में, और जो पूरा का पूरा कोर्स है ये इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। सब्जेक्ट्स वही पढ़ाए जाएंगे जो इंडिया में पढ़ाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है जो एक और जो 2 साल से खेला चालू हुआ था ट्रांसफ़र का, कि 3 साल यूक्रेन में पढ़ाई कर ली ट्रांसफ़र ले लिया, 1 साल यहाँ पढ़ाई कर ली वहाँ चला गया, क्लियरली बोल दिया गया कि पूरा का पूरा कोर्स और इंटर्नशिप एक ही कॉलेज और उसके एफिलेटेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। सो वो नहीं चलेगा कि 2 साल यहाँ पढ़ाई की 2 साल वहाँ पढ़ाई की, जो ये आर्मेनिया भाग रहे थे लोग पिछले 3 साल से यूक्रेन को जॉर्जिया को छोड़ छोड़ के, और आर्मेनिया में 2 दुकानें चल रही थी मुख्तियार घोष एंड सेंट थेरेसा, उनकी दुकान अब बंद हो जाएगी क्योंकि बच्चों को अब वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। जस्ट टू टेल यू, जी के बस ने आज तक एक भी ट्रांसफ़र केस नहीं एग्जीक्यूट कराया, और हमारे पास भी फ़ोन आता था, हम कहते थे कि भैया आपका मन कर रहा है किसी और से करा लो, इस पाप के भागीदारी हम नहीं बनेंगे। सो वो चीज़
कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट जो हमारे साथ बच्चे गए हैं। और फिर भी उन्होंने ये क्लैरिफाई करा है कि ये जो गैजेट है फिलहाल ये 18 नवंबर को आया है, सो 18 नवंबर से पहले जो भी जैसे भी पढ़ाई कर रहा है, चाहे 2 दिन पहले उसका एडमिशन हुआ है, चाहे फिलीपींस कैरिबियन में BS प्लस MD में, चाहे जैसे भी, क्योंकि क्लियरली लाइन ये है कि हु आर परसुइंग देयर एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स, उन पे ये रूल लागू नहीं होगा, राइट। अब इसके अलावा जो मैंने बोला, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस कंट्री में जहाँ पर भी पढ़ने गए हैं ना, रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन द रिस्पेक्टिव जुडिशियल ऑफ द कंट्री इन विच मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एंड एट पार विद द लाइसेंस ऑफ दैट सिटीजन, विच मीन्स आप फिलीपींस में जाएँ, यूक्रेन में जाएँ, कजाकिस्तान में जाएँ, जो भी उस कंट्री का लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का, वो लाइसेंस भी आपको लगाना पड़ेगा जब हम नेक्स्ट एग्जाम में बैठेंगे 18 नवंबर 2021 के बाद जाने वालों के लिए कह रहा हूँ। सो अब बहुत ज़्यादा कॉलेज को सोच समझ के चुनना पड़ेगा, उस कॉलेज में हॉस्पिटल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आपको उसी कॉलेज में पूरी पढ़ाई ख़त्म करनी है, और जस्ट टू रेगुलेट ताकि गड़बड़ ना हो, बहुत क्लियर है कि क्या उस कंट्री का लाइसेंस आपको मिला है, विच मीन्स सारा कोर्स ख़त्म करने के बाद, उस देश की इंटर्नशिप करने के बाद आप उसका देश का लाइसेंस भी लेंगे प्रैक्टिस करने का, तो आपके हाथ में लाइसेंस होना चाहिए कि आई एम लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन उज्बेकिस्तान, में उज्बेकिस्तान में अपना क्लिनिक खोल सकता हूँ, किर्गिस्तान में, बेलारूस में, यूक्रेन में, फिलीपींस में, और वो लाइसेंस भी लगेगा आई एम श्योर जब आप नेक्स्ट का पेपर के लिए बैठेंगे। सबसे आई थिंक पेच ये होगा कि वो जो कंट्री आपको लाइसेंस इशू कर रही है वो तभी करेगी ना जब आपने उस कंट्री के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करा है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं हैरान होता हूँ ना, मैं कुछ कंसल्टेंट्स के सुनता हूँ यूट्यूब चैनल या जर्नली, हमने मैनेज कर लिया है, जैसे कि तुम भगवान हो और तुमने पूरी पूरी यूक्रेन को मैनेज कर लोगे, पूरी पूरी रशिया को मैनेज कर लोगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। फिलहाल आप कॉलेज के साथ हेडिंग कर रहे थे, आप एक MBBS की डिग्री बच्चे को पकड़ा देते थे जो बच्चे यहाँ पर आके बैठ जाता था, तो बड़ा सिंपल बात है, 48 महीने कम से कम कोर्स होना चाहिए, जो मैं अभी कह रहा हूँ सारे होंगे ही, फिलीपींस और कैरिबियन अपने आप को सेट वो कर लेंगे, सॉरी 54 महीने का वो मैनेज कर लेंगे, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, दैट मीन 4.5 साल जमा 1 साल 5.5 साल आप टोटल उस देश में होंगे, जो मिनिमम नेपाल होता है, और दूसरा आई थिंक फिलीपींस और कैरिबियन अपने आपको ऐसा मोल्ड करेंगे, मॉरिशस जो कि 5 साल के लिए सिर्फ कोर्स के लेके जा रहा था वो भी अब इंटर्नशिप कराएगा, बांग्लादेश, चाइना, ये तीनों 5+1 थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को करना पड़ेगा, और मेरी गेस ये है कि यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, जॉर्जिया को 6+1 करना पड़ेगा, विच इज 7 ईयर्स इन दैट कंट्री, प्लस कॉलेज का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इंटर्नशिप करा सके ढंग से, प्लस आपके बाद उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, इससे साबित होगा कि कौन सी कंट्री, कौन सा कॉलेज ये सब करने के लायक है। देखिए बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत रिप्यूटेड हैं, मॉरिशस के दोनों कॉलेज, अन्ना और SSR बहुत रिप्यूटेड हैं, यूक्रेन, रशिया के कॉलेजेस फॉर दैट मैटर, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के, फिलीपींस के, सारे ही कॉलेज में बुराई नहीं है, इट इज़ कि हम उन कॉलेज के एक्चुअल रूल्स के साथ चले, बिकॉज इंडियन बच्चों को देखते हुए काफ़ी रूल्स मॉडिफाई किए गए थे, उस कंट्री का एक्चुअल कोर्स 6 साल का था, हमारे लिए 5 साल का बना दिया गया ताकि हमें डिग्री दे दो और हम लेकर आ जाएं। मैं नाम ले लूँगा वो आर्मेनिया के जो एक दो कॉलेज कर रहे थे, लेकिन अगर आप उसको देश में लाइसेंस लेके प्रैक्टिस करनी है तो फिर उस देश की लाइसेंसिंग अथॉरिटी तो आपको देगी नहीं ना लाइसेंस जुगाड़ का, और वो आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है 18 नवंबर 2021 के बाद जो भी बच्चा पढ़ने जा रहा है वो ट्रांसफ़र का खेला नहीं होगा फ्यूचर में, और आप बीच में मत कीजिएगा ये मैं सोचेगा कि मैं पिछले साल गया था तो मुझे अलाउड है, अब मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि ये पंगे मत लीजिएगा ट्रांसफ़र कराने के, अक्रॉस कॉलेज, अक्रॉस कंट्रीज, वो सब मत कीजिएगा। अब लास्ट में एनालिसिस, देखिए एनालिसिस तो यही है कि ये जो 1 साल की इंटर्नशिप ऐड हो गई बाहर और साथ में लाइसेंस लेना, इससे जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रियों से तो करके आपको, मैंने कहा देखिए 6.5 साल तो मिनिमम है, जो नेपाल जिसको हम आइडियल मानते हैं उसमें भी 4.5 जमा 1.5 और जमा 1 इंडिया के 6.5, तो 1 साल तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा इन एनी केस, जो पहले ऐसा नहीं होता था, चाइना में 5+1 करके आते थे जो लास्ट रूल थे उसमें, हम चाइना, नेपाल, फिलीपींस की इंटर्नशिप को यहाँ पर माना जाता था, राइट। अब आपको डबल करनी पड़ेगी तो आपका टेन्योर बहुत बढ़ गया, और कुछ
कुछ कंट्री में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जो बच्चे वहाँ पर रहेंगे चाहे वो खर्चे को लेकर हो, चाहे इंटर्नशिप को लेकर हो, हॉस्टल्स को लेकर हो, क्या ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी, क्या लोग जाना बिल्कुल बंद कर देंगे? देखिए एक बार तो मुझे डाउट है कि डाउन होगा, स्पेशली क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, इस साल आपको पता ही है और 6,000 सीटें बढ़ चुकी हैं, और अब